रेडियो स्टीयरिंग व्हील्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अनिश बासु आज के इस एपिसोड में आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स बताऊंगा। अमेरिका के उटा प्रांत में साइंटिस्ट ने रिसर्च के माध्यम से ये पता लगाया कि वहां शिकारियों की तुलना में वाहन चालक ज्यादा हिरणों को मारते हैं। उटा पश्चिमी अमेरिका का एक पहाड़ी राज्य है जहां वाइल्ड लाइफ अच्छी खासी है, खासकर वहां के हिरणों की आबादी। वाहन चालक उटा राज्य के एक 35 किलोमीटर वाले रास्ते में इतने हिरणों को मारते हैं कि एट एन एवरेज प्रति किलोमीटर 6 हिरने मारे जाते हैं। ये 35 किलोमीटर वाले रास्ते का स्ट्रेच वाइल्ड लाइफ एरिया से गुजरता है। आम जानकारी के अनुसार लोग ये मानते हैं कि Porsche Taycan इस कंपनी की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। साल 1898 में फर्डिनेंड Porsche ने C2 Phaeton के नाम से पहली Porsche को डिजाइन किया था, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार थी। ईयर 1973 तक कई कार ट्रांसमिशंस में व्हेल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। 1973 में व्हेल को एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डालने के कारण व्हेल ऑयल के इस्तेमाल में पाबंदी लग गई। इस वजह से 800% ट्रांसमिशन फेलियर्स बढ़ गई। ये प्रॉब्लम तब तक रही जब तक सूटेबल सिंथेटिक रिप्लेसमेंट मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। कार ट्रांसमिशन होता क्या है? कार ट्रांसमिशन एक सिस्टम है जिसके कारण गाड़ी के इंजन में बनी पावर उस गाड़ी के ड्राइविंग व्हील्स तक पहुंचती है। गाड़ी का यह हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस गाड़ी के पावर और इंजन की फंक्शनैलिटी को परखने के लिए। ईयर 1989 में लॉन्च हुआ होंडा गाड़ी पहली मास प्रोडक्शन वाली फोर व्हील ड्राइव गाड़ी थी। इस गाड़ी में आसानी से जल्दी चलने की क्षमता थी। टेढ़े मेरे रास्तों पर गाड़ियों की जल्दी चलने की क्षमता को मूस टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। मूस टेस्ट होता क्या है? एक सीधे रास्ते पर कुछ रुकावटें रखी जाती है एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर। गाड़ियों को इन रुकावटों के बीच से लेफ्ट राइट मारकर स्पीड में गुजरना पड़ता है। जितनी आसानी से एक गाड़ी इन रुकावटों में से गुजरती है उतनी ही उस गाड़ी की एजिलिटी मानी जाती है और इस टेस्ट को मूस टेस्ट कहते हैं। Porsche 911 GT3 और McLaren 675 LT ऐसे सिचुएशन में लगभग 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा सकती हैं। लेकिन इन दोनों गाड़ियों को मात देती है 1999 की सित्रों जेंटिया, जो कि लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटे जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह संभव उस गाड़ी के हाइड्रोनिमेटिक सस्पेंशन के कारण हुआ, जिससे उस गाड़ी की एजिलिटी ऐसी बढ़ गई कि टेढ़े मेरे रास्तों पर वो तीन चक्के पर भी बैलेंस हो जाएगी और उस गाड़ी की स्पीड वैसी ही बरकरार रहेगी। इस तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अलर्ट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।